किसी का रहन सहन सही नहीं है, तो इस प्रकार से डिप्रेशन, चिंता, टेंशन, टेंशन जब हो जाती है तो आप लोगों को नींद नहीं आती है। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जगह में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज आइए फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें नींद नहीं आती है, नींद में बड़ी दिक्कत होती है, बिस्तर में जाते हैं घंटों, हमें करवट बदलना पड़ता है और नींद नहीं आती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि नींद ना आने का कारण क्या है। तो आप बिस्तर में जाएंगे तो आपको बहुत जल्दी नींद आएगी। कुछ ऐसे काम है जिससे कि आपको नींद बहुत जल्दी आएगी। नींद ना आने के कारण है क्यों? क्योंकि आजकल डिप्रेशन, आप लोग इतना डिप्रेशन, चिंता, तनाव इस प्रकार से रहते हैं तो आपको नींद बहुत कम आती है। किसी को तो अपना सर्विस में, अगर सर्विस कर रहे हैं तो उनको सर्विस का जाने का डर है, या लेट पहुंचने का डर है, या अपने काम के ऊपर ज्यादा दबाव है, और किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और किसी की शादी हो गई है तो उसके प्यार में अनबन है, तो इस प्रकार से कई प्रकार की टेंशन होती है। किसी का खान पान सही नहीं है। आप लोगों को इसके लिए मैं कुछ आदतें बताऊंगा कि जिसमें से आपको सुधार करना है। और आपने महसूस किया होगा कि अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको बीमारियां घेरती हैं। कम से कम अगर नींद अच्छी आती है तो 75% बीमारियां ऑटोमेटिक आपके शरीर से दूर हो जाती हैं, कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपको नींद आनी चाहिए। पर नींद ना आने का कारण क्या है तो हम आपको बताएंगे कि नींद आपको क्यों नहीं आती है। तो कुछ तो हमने कारण बता दिया कि आपको डिप्रेशन, चिंता, तो आप इनको दूर करें। आपको हम बता रहे हैं आयुर्वेद में, आयुर्वेद शास्त्र में महर्षि चरक जी ने कहा है कि हमारे स्वास्थ्य के तीन आधार होते हैं। अगर तीन आधारों को आप सही कर लेते हैं तो आपको नींद बहुत जल्दी आएगी और स्वास्थ्य में कोई भी आपको परेशानी नहीं होगी। पहला है आहार। आपका आहार किस प्रकार से है? अगर आपका आहार सही है, आपका खान पान सही है, आप भोजन ताजा करते हैं, बासी भोजन नहीं करते हैं, ज्यादा तेल मसाला वाला नहीं करते हैं, अगर आपका आहार सही है तो आपका स्वास्थ्य सही है और नींद आपको बिल्कुल दुरुस्त आएगी और बहुत जल्दी आएगी। दूसरा है आपका ब्रह्मचर्य। अगर आपका ब्रह्मचर्य सही है, और आजकल पढ़े लिखे लोग हैं अपने ब्रह्मचर्य को सुधार रहे हैं, अब बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छी चीज है, आप अपने आप को सुधार रहे हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करिए। सही तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन करिए तो आपको देखेंगे कि आप दुनिया की टेंशन लिए हुए बैठे रहते हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, आप अपना ब्रह्मचर्य का पालन करिए। देखिए, आपको बिस्तर में जाएंगे और 10-15 मिनट, आधा घंटा के अंदर आप बिस्तर में खर्राटे मारने लग जाओगे। तो खर्राटे मारने का भी जो है ये बीमारी है भैया, अगर खर्राटे मारने लग जाएगा तो आपके अगल बगल वाला दिक्कत में रहेगा, बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, तो परेशान रहेंगे। खर्राटे मारने का मतलब है आपको स्वस्थ नींद आएगी, अच्छी नींद आएगी। दूसरा हमने बता दिया आहार, और तीसरा है नींद। नींद जो है बहुत ही जरूरी आइटम है हमारे शरीर के लिए। अगर नींद हमारे शरीर में नहीं आती है तो हम आधे से ज्यादा बीमारियों में घिरे ही रहते हैं। तो नींद लाने के लिए हमें कुछ कार्रवाई करना है, हमें अपने आप को बदलाव में लाना है। तो आप जो है बदलाव में, पहले के जमाने में ना तो लाइटें थी, ना कुछ थी, लाइट नहीं होती थी। आजकल क्या है, मोबाइल है, मोबाइल देखते रहते हैं, 10 बजे 11 बजे तक मोबाइल देखा, टीवी देखा, आपके कमरे के लाइट जलती रहती है, तो आपको नींद दूर भागती है। क्योंकि कुछ शरीर के अंदर ऐसे वातावरण होते हैं कि अगर आपके कमरे के अंदर लाइट जलती रही तो आपको नींद जल्दी नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है, खाना जल्दी इसके लिए करना है कि आपको खाना हर हालत में 8 बजे 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक खा लेना है, और अपने बिस्तर में 10 बजे चले ही जाना है। क्योंकि 10 बजे अगर आप बिस्तर में चले जाते हो तो आपको नींद बहुत अच्छी लगेगी। अगर नींद नहीं आ रही है, आप अपने पैर धो लीजिए, पैर धो लेंगे तो आपको नींद बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगी। तो आप 10 बजे से पहले
खाना खाइए और 10 बजे से 1 बजे तक की बहुत अच्छी नींद मानी जाती है। तो आप जो है इस तरीके देर रात को भोजन ना करिए। अगर देर रात में भोजन करते हैं आपका खाना हजम नहीं होता, उसका कारण यह होता है कि आपने देर रात में भोजन किया 10 बजे 11 बजे। जब 10 11 बजे आप भोजन करोगे तो आपका शरीर क्या कहेगा, हमें भोजन पचाना है, और वहां आपका मन कहेगा कि मुझे नींद में जाना है। अब इसके लिए क्या है, आपकी एनर्जी शरीर खर्च करता है, जो एनर्जी भोजन पचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए तो भोजन पचाने के लिए चाहिए। जब आप भोजन पचाने में एनर्जी चली जाती है आपकी तो आपको नींद नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आप समय से खाना खाएंगे तो समय से नींद आएगी। तो इसलिए देर रात भोजन न करिए, जल्दी जल्दी भोजन करने की कोशिश करिए। दूसरा ये है, ज्यादा मिर्च मसाला तली हुई चीजें, ज्यादा तली हुई, ज्यादा हार्ड भोजन शाम को नहीं करना चाहिए। हल्का भोजन करो, सुपाच्य भोजन करो जो कि पचने में सहायक हो। अगर पचने में सहायक है और समय से भोजन कर लेते हैं तो आपको नींद जल्दी आ जाएगी। तो इसलिए आप सुपाच्य भोजन करो और जल्दी भोजन करो। दूसरा ये है कड़ू मिर्च कड़ू चीज नहीं रात में खानी है, क्योंकि अगर मिर्च खाते हो तो गर्म होती है तासीर उसकी, मिर्च लाल मिर्च की। तो जब लाल मिर्च आप खा लेंगे तो आपको रात में नींद नहीं आने देगी। दिन में खाली समय ना बैठे, कुछ ना कुछ वर्क करते रहें। ऑफिस में हैं तो ऑफिस वाले काम करें, अपना मन लगा करके काम करें, मेहनत से काम करें, रात में ऑटोमेटिक नींद आएगी। आप व्यापारी भाई हैं, आप मेहनत से अपना व्यापार करते हैं तो आपको जो है जरूरी बात है कि आपको नींद आएगी। कभी किसान को देखिए, किसान को कितना जल्दी नींद आती है, क्योंकि दिन भर वो मेहनत करता है, शाम को जाता है, खाना खाते खाते उसको नींद आने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है, कभी आपने देखा है कि बंदरों को है, शेर को है, चीता को है, क्या इनको नींद नहीं आती है? इनकी पुरानी पद्धति है जो हजारों साल पहले चलती रही है, उसी पद्धति में आज भी वो चल रहे हैं, और वो अपना समय से खाना खा रहे हैं, समय से भोजन कर रहे हैं, और समय से वो अपनी नींद ले रहे हैं। पर हम लोगों में इतना बदलाव आ गया कि हमारे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, लाइट, पचासों मनोरंजन के साधन हमने बदल दिए। तो इस प्रकार से हमें दिक्कत हो रही है, हमारी नींद आपको नहीं मिल पा रही है। तो इस प्रकार से है, आप भोजन में अपने बदलाव लाएं, बासी भोजन ना करें, ताजा भोजन करें। और नहाने का आप देखते हैं कि अगर गर्मी है तब भी आप गर्म करके पानी को नहाते हैं, ऐसा ना करें। आप कितना पानी गर्म करना है टेम्परेचर को देख लें, आम जो वातावरण का टेम्परेचर है उसमें लाएं, फिर नहाएं। ज्यादा पानी गर्म का इस्तेमाल ना करें, अपने हाथ पैर धो करके शाम को बिस्तर में जाएं, और आधा घंटा पहला, सोने से आधा घंटा पहले आप मोबाइल है, टीवी है, अपने लाइट है, उसको ऑफ कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको कितना जल्दी नींद आती है। क्योंकि आप गोलियां जीवन भर खाते रहो पर वो गोलियों का पीछा नहीं छूटेगा। और व्यायाम करिए, मॉर्निंग वॉक करिए, खाना खाने के बाद कम से कम 500 कदम चलिए, मॉर्निंग वॉक में 5000 कदम चलिए, देखिए कैसे नींद आती है, बहुत बढ़िया नींद आएगी। तो इस तरीके से हाथ पैर धो करके आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप जो है अपना रात में नींद लीजिए और नींद बढ़िया आएगी। आप आदत बनाइए, कुछ आदतों को छोड़िए। आप लोग रात में 10 बजे 11 बजे तक कोई नशीला पदार्थ का सेवन करते हैं तो नशीले पदार्थ को छोड़िए, ये सब बदलाव करिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए भूरा भैरव को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि हर आने वाली जड़ी बूटी वीडियो, क्योंकि प्रतिदिन 1 बजे हमारी वीडियो आती है, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि लगातार आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगी। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।